भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती एक तरफ इसकी व्यापकता है तो दूसरी तरफ संसद से पंचायत स्तर तक और आम जनता द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से ही इसे मजबूत करने की इच्छा शक्ति भी है। यही वजह है कि देश की पंचायतें आज हर स्तर पर आत्मनिर्भर हो रही हैं, फैसले ले रही हैं। संसद टीवी ने इसी लोकतंत्र की शक्ति से आपको रूबरू कराने के लिए अपने कार्यक्रमों के जरिए एक पहल शुरू की, लोकतंत्र मेरी ताकत। वो कार्यक्रम है जिसमें हम देखते हैं कि देश की पंचायतें और इन पंचायतों का नेतृत्व कर रही महिलाएं कैसे लोकतांत्रिक तरीके से ही हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत कर रही हैं। संसद टीवी की इस पहल का एक बड़ा असर देखने को मिला महाराष्ट्र के नाशिक में पिंपलगांव बसवंत पंचायत में। इस पंचायत की सरपंच ने जब संसद टीवी पर देश की दूसरी पंचायतों के काम करने के तरीके देखे तो उनसे प्रेरणा ली और अपनी पंचायत के साथ बहुत सारे नए प्रयोग कर डाले। दरअसल हमने अपने पहले के एपिसोड में देखा कि कैसे देश में पंचायतों का नेतृत्व कर रही महिलाएं अपने प्रयासों से गांव के स्तर पर ही बदलाव ला रही हैं, कैसे पंचायतें देश के लोकतंत्र को मजबूत कर रही हैं। अब तक हमने देखा कि कैसे तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले की मिटापल्ली ग्राम पंचायत ने अपनी कोशिशों और फैसले लेने की दृढ़ क्षमता से गांव को सफाई के पैमाने पर एक मिसाल बना दिया। ग्राम पंचायत की सरपंच वंगा लक्ष्मी ने पशुधन प्रबंधन और महिलाओं को प्रेरित कर विकास और आत्मनिर्भरता के नए रास्ते खोले। हमने देखा कि कैसे ओडिशा की हरिदाबंड पंचायत की सरपंच संयुक्ता पटिहारी ने उत्कल विश्वविद्यालय से पढ़ाई के बाद गांव वापसी की और कैसे अपने नायाब प्रयासों से विकास और महिला सशक्तिकरण की नई गाथा लिखी। संसद टीवी की टीम जब राजस्थान के दौसा जिले की छाटेदा पंचायत पहुंची तो हमने देखा कि कैसे एक महिला सरपंच की आउट ऑफ द बॉक्स सोच से गांव के सूखे इलाके में पहुंचने लगा पानी और पर्यावरण की होने लगी रक्षा। हमने महाराष्ट्र के पुणे की कालवाड़ी पंचायत की पहल देखी जिसका नतीजा हुआ कि MBA पास लड़कियां भी गांव आकर अब करती हैं खेती। हमने देखा कि कैसे दमन की डुनेठा ग्राम पंचायत की सरपंच गांव वालों के लिए बन गई एक मेंटोर, एक ऐसी सोशल काउंसलर जिसने शादी के बंधन से टूटते कई परिवारों को अपनी मध्यस्थता के जरिए बचाया। और आज हम पहुंचे हैं नाशिक की पिंपल गांव पंचायत और ये पिंपल गांव बसवंत का पंचायत भवन है। पंच और सरपंच बैठे हुए हैं और सामने एक बड़ी सी स्क्रीन पर चल रहा है संसद टीवी का वही कार्यक्रम जिसे फिल्माने हमारी टीम यहां पहुंची है, यानी लोकतंत्र मेरी ताकत। नमस्कार, संसद टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष रंजन। लोकतंत्र मेरी ताकत, ये संसद टीवी की वो पहल है जिसमें हम देखते हैं कि कैसे भारत के लोकतंत्र ने यहाँ की ग्राम पंचायतों को अधिकार दिए हैं और कैसे इन अधिकारों का इस्तेमाल कर इन ग्राम पंचायतों का नेतृत्व कर रही महिलाएं गांव को समाज और आर्थिक विकास की मुख्य धारा से जोड़ रही हैं। इस सिलसिले में आज हम पहुंचे हैं नाशिक जिले के पिंपल गांव बसवंत पंचायत में। यहाँ की महिला सरपंच ने कई ऐसे नायाब काम किए हैं जिनसे दूसरी ग्राम पंचायतें भी सीख ले सकती हैं। नाशिक की पिंपल गांव बसवंत पंचायत बड़ी और पुरानी है। इसकी स्थापना साल 1935 में हुई थी। यहाँ की आबादी 60,000 से अधिक की है। नाशिक शहर से 32 किलोमीटर दूर स्थित पिंपल गांव बसवंत का क्षेत्रफल 49 वर्ग किलोमीटर है। इस पंचायत में सदस्यों की संख्या 18 है जिनमें 10 महिला और 8 पुरुष सदस्य हैं, यानी महिलाएं यहाँ ज्यादा हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है, रोजगार भी कृषि आधारित ही है। पिंपल गांव बसवंत पंचायत ये सुनिश्चित करती है कि लोगों को रोजगार आसानी से उपलब्ध हो सके। पंचायत कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि यहाँ कुल 23 प्राथमिक स्कूल हैं, जिनमें से 9 सरकारी हैं, 2 मिडिल स्कूल हैं, जबकि गांव में 2 कॉलेज भी हैं। पंचायत को हाउस टैक्स और पानी टैक्स से सालाना लगभग 4.5 करोड़ रुपए की कमाई होती है।
इनमें से अधिकतर राशि पंचायत आधारभूत संरचनाओं के विकास पर खर्च करती है। पंचायत की सरपंच अलका अशोक राव बनकर का जोर विकास के ऐसे कामों पर अधिक होता है जिनसे महिलाओं को फायदा पहुंच सके। महिलांसाठी आम्ही 1-5 बचत गट स्थापन केले, त्यांना शिलाई मशीन कांडव पापड लोणचे सगळं बनण्याची त्यांना प्रवृत्त केलं। त्या मुलींसाठी सॅनिटाईज नॅपकिन वाटले। आमच्या ग्रामपंचायतीमध्ये बऱ्याच महिला सफाई कामगार महिलाच आहे, त्यांच्याकडून आम्ही काम करून घेतो। बरेच महिलांसाठी बरेच सगळे चांगले उद्योग केले। जास्तीत जास्त आम्ही महिलांवरती एक काम केलं। आम्ही आठवड्यातून 3 दिवस इथं बसतो महिला, तेव्हा पुरुष नसतात, महिलाच असतात। काही मला महिलांच्या काही समस्या असतात आम्ही जाणून घेतो। नाशिक जिले की पहचान पूरे देश में प्याज टमाटर और अंगूर उत्पादक के तौर पर है। पिंपल गांव पंचायत ने यह सुनिश्चित किया है कि लोगों को कृषि और इससे संबंधित रोजगार उपलब्ध हो सके। पिंपल गांव बसवंत पंचायत में साक्षरता दर लगभग 87% है। यही वजह है कि गांव में लोग खेती के साथ साथ उससे संबंधित कारोबार भी खुद ही करते हैं और दूसरों को भी रोजगार दे पाते हैं। दरअसल पंचायत ने अपनी कोशिशों से यह सुनिश्चित किया है कि गांव के लोगों को फलों सब्जियों के उत्पादन और कारोबार से संबंधित सुविधाएं मिल सकें। फलों सब्जियों खासकर प्याज के साथ मुश्किल ये होती है कि अगर इन्हें ज्यादा दिनों तक खुले में रखा जाए तो ये सड़ने लगते हैं, फिर इनके छिलकों और खराब हो चुके फलों का कचरा निष्पादन एक बड़ी समस्या होती है। कुछ समय पहले तक पिंपल गांव बसवंत गांव ऐसी ही समस्याओं से 2-4 हो रहा था। फलों सब्जियों के कचरे की दुर्गंध आसपास के वातावरण को दूषित कर रही थी। ऐसे में पंचायत ने एक बैठक बुलाई और इस समस्या से समाधान का रास्ता खोजा गया। फिर तय हुआ कि कचरे के साफ सुथरे निष्पादन के लिए एक यूनिट लगाई जाएगी। पंचायत के कई सदस्यों की राय थी कि ऐसी यूनिट लगाई जाए जो कचरा निष्पादन के साथ साथ बिजली भी पैदा कर सके। पंचायत ने इस फैसले पर अपनी मुहर लगाई और फिर एक आधुनिक कचरा निष्पादन यूनिट लगाई गई। यहाँ पे रोज का 3 टन का कचरा, जो गीला वेस्ट बोलते हैं आपको, वो यहाँ पे अपन इकट्ठा करके लाते हैं। पिंपल गांव ग्राम पंचायत की 11 घंटा गाड़ियाँ है। 11 घंटा गाड़ियों से अपन पूरा वेस्ट उसको 2 कंपार्टमेंट किए हैं। एक के अंदर ओला जाता है, एक के अंदर जो सूखा जाता है। तो दोनों कंपार्टमेंट से जितना जितना गीला वाला जो वेस्ट आता है वो यहाँ पे आके उसको सेग्रीगेट करके उसका स्लरी बनता है। स्लरी बनने के बाद उसके अंदर से जो उसका मीथेन होता है, मीथेन से सेल्फ सस्टेन करके प्लांट है, तो जनरेटर के लिए वो जाता है। और यहाँ पे कोई लाइट का कनेक्शन लिया नहीं। जनरेटर के ऊपर यहाँ से जो लाइट बनता है, जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जनरेट होता है, यहाँ पे उसके ऊपर खड़ा है, जहाँ से जो स्लरी भी बन रही है, वो स्लरी भी हम किसानों के लिए ट्रायल के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी लैब में दे चुकी है। स्लरी बनने के बाद उसके क्या फ़ायदे होने वाले, क्या तोटे होने वाले, एक बार देखेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देने के लिए हम प्रयास करेंगे। किसानों को बिल्कुल मुफ्त में देने का प्रयास सरपंच और हमारे पूरे बॉडी का यहाँ पे हो चुका है। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाशिक के नजदीक बसे पिंपल गांव की पहचान दरअसल कुछ समय पहले तक यहां की हवाओं में फैली खराब फलों सब्जियों की दुर्गंध की वजह से थी। साथ ही इस इलाके की एक और पहचान कचरे के एक बहुत ऊंचे टीले, जिसे शायद पहाड़ कहना ठीक हो, इसकी वजह से भी थी। यहाँ की फिजाओं से दुर्गंध दूर करने का काम तो पंचायत ने सफलतापूर्वक कर दिया। अब पंचायत की योजना इस टीले को सपाट कर यहाँ एक बायो पार्क बनाने की है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। अगर हम यहाँ कुछ महीनों पहले आए होते तो ये जो पीछे कचरे का ढेर दिख रहा है, ये 50-60 फीट ऊंचा ढेर था और यही पहचान हो गई थी पिंपल गांव की। लेकिन पिंपल गांव की पंचायत बैठी और उसमें फैसला लिया गया कि किसी तरीके से इस कूड़े के ढेर से निजात पाना है। और अब हम देख पा रहे हैं कि ये कूड़े का ढेर कितना नीचे आ गया है। और लोगों का मानना है और कहना है कि धीरे धीरे ये जैसे ही अगले कुछ महीनों में ख़त्म हो जाएगा, यहाँ एक बहुत सुंदर सा पार्क बनाया जाएगा। तो जब पंचायत बैठक करती है, फैसले लेती है, तो इसी तरीके से गाँव का विकास होता है, उत्थान होता है। पिंपल गांव बसवंत ग्राम पंचायत की प्राथमिकता सफाई से स्वास्थ्य तो है ही, साथ ही शिक्षा के प्रति भी पंचायत की सोच काफी बड़ी है। गांव में मौजूद 9 सरकारी और 14 निजी प्राथमिक स्कूलों की संख्या ही ये बताने के लिए काफी है कि शिक्षा को लेकर यहां कितनी जागरूकता है।
आम तौर पर सक्षम परिवारों के बच्चे तो निजी स्कूलों में भी दाखिला ले लेते हैं, मगर समाज में आर्थिक तौर पर कमजोर और पिछड़े वर्ग के बच्चों की पढ़ाई अक्सर परिवार की माली हालत की वजह से प्रभावित हो जाती है। यहाँ की पंचायत ने इस खाई को पाटने का काम किया। गांव का ये प्राथमिक स्कूल पंचायत की देखरेख में चल रहा है। क्लास में जिंदगी और पढ़ाई का ककहरा सीख रहे देश के भविष्य ये नन्हे मुन्हे सहज ही किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। खास बात है कि ये सभी बच्चे अनुसूचित समुदाय से हैं। इनमें से ज्यादातर के माता पिता खेतों में मजदूरी का काम करते हैं। पहले जब स्कूल नहीं था तब ये बच्चे अपने पिता के साथ खेतों में ही समय बर्बाद करते थे। फिर पंचायत ने अपने प्रयासों से इस स्कूल को आज बड़ा बना दिया है। इतना ही नहीं, कोरोना के समय बच्चों की पढ़ाई जारी रहे इसके लिए पंचायत ने डिजिटल क्लास की व्यवस्था कराई। स्कूल के शिक्षकों ने कैमरे के सामने अपने पाठ्यक्रमों को रिकॉर्ड किया और सभी बच्चों ने लॉकडाउन के समय उसे घर पर ही देखा। देश में पिछले कुछ सालों में डिजिटल क्रांति आई है और यही वजह है कि आज चाहे व्यक्ति कितना ही गरीब क्यों न हो, चाहे वो कितनी ही दूर दराज के इलाके में क्यों नहीं रहता हो, इंटरनेट और मोबाइल फोन की पहुंच से दूर नहीं है। इसी का पूरा फायदा मिल रहा है पिंपल गांव के इन स्कूली बच्चों को। इस स्कूल को ग्राम पंचायत से सभी तरह की मदद मिलती है, जैसे कि बिजली हो गया, पानी हो गया, हर साल हमको प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, बच्चों के लिए जो अपने खेलों के साहित्य रहते हैं, डंबेल्स वगैरह, लेजिम, ये सब हमको ग्राम पंचायत की तरफ से मिलते हैं। अभी जो हमको जो खिलौने मिले हैं वो भी ग्राम पंचायत की वजह से ही मिले। जैसे कि हमने जो स्थानीय केबल नेटवर्क है उसके माध्यम से हमने जिन बच्चों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं थे, तो वो सब गरीब घर के बच्चे, तो हमने टीवी पे उनको वो शिक्षा देने का काम हमने कोरोना में किया है। उसका जो फ़ायदा है उसका फ़ायदा करीब से करीब गरीब बच्चों को, यानी हमारे तालुकों को नहीं पूरे ज़िले को, उसका 50,000 से 1,00,000 तक बच्चों को उसका फ़ायदा हुआ। देश में हुए डिजिटलीकरण का लाभ पंचायत ने सिर्फ स्कूली बच्चों को ही नहीं दिया, पंचायत अपना काम खुद भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ही निपटाती है। सबसे बड़ा काम जो इस पंचायत में हुआ मुझे दिख रहा है वो ये कि इसकी पूरी तरीके से डिजिटलाइजेशन हुआ है। ये पंचायत भवन का कॉन्फ्रेंस रूम है जहां सदस्य इकट्ठे होते हैं और अपनी समस्याओं को रखते हैं और उन समस्याओं का निदान भी किया जाता है। सरपंच पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से प्रेजेंटेशन देखती हैं, उस पर अपना सुझाव देती हैं। और सबसे खासियत जो मुझे ये लगी वो ये कि इस पंचायत का अपना फेसबुक पेज है, फेसबुक अकाउंट है, जहां लोग अपनी समस्याओं को रखते हैं और डिजिटल तरीके से ही सोशल मीडिया के माध्यम से उनका समाधान भी किया जाता है। नासिक की पिंपल गांव पंचायत देश की कुछ गिनी चुनी पंचायतों में से एक है जिसका फेसबुक पेज है। इसी फेसबुक पेज पर लोग शिकायतें दर्ज करते हैं और इसी के जरिए समस्याओं का निपटारा भी किया जाता है। पंचायत का फेसबुक पेज रोज अपडेट होता है। इसमें पंचायत द्वारा की गई मीटिंग्स और दूसरे विकास के कामों की जानकारी होती है। लोगों को एक दूसरे से जोड़ने और सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने में पंचायत को अपने फेसबुक पेज से बड़ी मदद मिलती है। लोग अपने विचार यहाँ साझा करते हैं, साथ ही दूसरे के विचारों से अगर कोई सहमत ना हो तो अपनी टिप्पणी भी सार्वजनिक तौर पर कर सकता है। सबके विचारों को जानने और समझने के बाद ही पंच सरपंच किसी विषय पर अंतिम फैसला लेती हैं और फिर उस फैसले पर पंचायत अपनी मुहर लगाती है। पंचायत में हो रहे कामों, रोज की दिनचर्या और दूसरी जानकारियों को फेसबुक पेज पर एक डिजिटल चैनल के माध्यम से दिखाया जाता है। संसद टीवी की टीम भी जब पिंपल गांव पहुंची तो वहां की पंचायत की मीडिया टीम ने खबर नवीसों को ही खबर बना दिया और अपने फेसबुक चैनल पर प्रदर्शित किया। फेसबुक पेज का संचालन पंचायत की महिला सदस्य ही किया करती हैं। सोशल मीडिया से हमको हमारे देश में क्या चलता है वो सब पता चलता है ना हमको, उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि देश में क्या चल रहा है, महिलाओं के लिए क्या हो रहा है, महिला कितनी सक्षम है, क्या हो कर सकती है, उतने हमको उससे इन्फॉर्मेशन मिलती है। हमारे गांव में अगर कोई समस्या हो तो हम उससे हमको पता चलता है कि क्या समस्या है, क्योंकि हम हर एक व्यक्ति को जाके मिल नहीं सकते ना,
कि तुम्हारी क्या समस्या है ये पूछ नहीं सकते, तो हमको घर बैठे ही उससे अपडेट से पता चलता है कि गांव में क्या समस्या उपलब्ध है, हम जाके मीटिंग में बोल सकते हैं, उसके तहत हमको उसके लिए कुछ कर सकते हैं। पिंपल गांव बसवंत पंचायत विकास और महिला सशक्तिकरण के कामों के अलावा पशु पक्षियों के हितों के प्रति भी समर्पित है। यही वजह है कि यहाँ के हर घर में आपको बर्ड फीडर में दाना और पानी रखा हुआ मिल जाएगा। जब संसद टीवी की टीम इस पंचायत पहुंची तो हमें भी भेंट स्वरूप बर्ड फीडर ही दिए गए। पिंपल गांव पंचायत जो है, यहां की खासियत ये है कि ये लोग सिर्फ मानवता के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों की भी सेवा करते हैं, और जब किसी मेहमान को कोई उपहार दिया जाता है तो वो भी ऐसा ताकि वो भी आगे जाकर पशु और पक्षियों की सेवा कर रहे हैं। ये जो हमारे हाथ में है ये बर्ड फीडर है जो उपहार स्वरूप संसद टीवी की टीम को मिला है। इसमें आप दाने डाल सकते हैं और घर के बाहर रह सकते हैं ताकि चिड़िया आएं, यहाँ बैठें, पानी भी पिएं और दाने भी खाएं। पिंपल गांव पंचायत जहाँ डिजिटल तरीके से लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर सबका आत्मविश्वास बढ़ा रही है, वहीं महिलाओं के विकास के लिए खास तौर पर उपाय किए गए हैं। आमतौर पर घरेलू कामों में व्यस्त महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति ही लापरवाह हो जाती हैं, फिर वो व्यायाम करने अथवा सुबह की सैर करने भी नहीं जा पाती। इसके लिए पंचायत ने गांव में ही कई जिम बनवाए हैं जो सिर्फ महिलाओं के इस्तेमाल के लिए ही हैं। घर के कामकाज से मुक्त होकर महिलाएं दिन के समय इन व्यायाम शालाओं में आती हैं और अपनी सेहत को फिट रखती हैं। पंचायत का मानना है कि महिला सशक्तिकरण से ही देश का विकास संभव है। महिलाओं को आरक्षण तो अभी मिला है मगर हमारे देश की महिलाएं पहले से ही कई कामों में आगे हैं। महिला का आरक्षण तो अभी मिला है लेकिन इतिहास में देखा जाए तो हमारे सामने बहुत ऐसे उदाहरण है जो महिला ने कुछ कर दिखाया है। तब तो आरक्षण भी नहीं था सर, अभी तो आरक्षण मिला है। अभी ग्राम पंचायत की सदस्य हूँ और उस हिसाब से हमने अपना पूरा योगदान देने की कोशिश की है, बहुत सारे काम किए हुए पूरे का जितना भी वार्ड है उसमें गार्डन नाना नानी पार्क बनाए हैं, बच्चों के लिए खिलौने बनाए, और इतना ही नहीं छोटे बच्चियों के लिए जो 18 साल की है उनके लिए सैनिटाइज पैड का हम इस्तेमाल कैसे करें उनको सिखाया है, उसका प्रशिक्षण भी दिया है उनको, और कुपोषित बालक के लिए भी हमने बहुत कुछ किया है ताकि कोई भी कुपोषित ना रहे और अगली आने वाली पीढ़ी सक्षम साबित हो। महाराष्ट्र के नाशिक की पिंपल गांव बसवंत पंचायत ने अपनी अनूठी कोशिशों से खुद को देश की अग्रणी पंचायतों में शामिल कर रखा है। इस पंचायत ने इतना ही नहीं इससे बढ़कर भी एक कोशिश की है, और वो ये कि उसके प्रयासों से गांव में ही एक फायर ब्रिगेड स्टेशन काम कर रहा है। गांव का इलाका इंडस्ट्रियल है, कृषि आधारित उद्योग धंधे हैं, ऐसे में आग लगने की छोटी मोटी घटनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। फायर स्टेशन पास होने से कई बार लाखों के जान माल की हानि को बचाया जा सका है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि आसपास के दूसरे गांव वालों ने भी आग बुझाने के लिए पिंपल गांव से ही अग्निशमन दस्ते को बुलाया। तो देखा हमने किस तरह पिंपल गांव बसवंत ग्राम पंचायत की महिला ग्राम प्रधान ने डिजिटल माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने गांव का विकास किया है। इतना ही नहीं, इस गांव में बड़ा अस्पताल, एम्बुलेंस की सुविधा और साथ ही एक अग्निशमन केंद्र भी स्थापित किया है जो आसपास के कई गांवों की समस्याओं को दूर करता है और उनके काम में आता है। और यही तो है हमारे लोकतंत्र की ताकत जिससे देश की पंचायतें हो रही हैं और प्रभावशाली। इस एपिसोड के लिए इतना ही, लेकिन चलते चलते देखते हैं आखिर भारत का लोकतंत्र कैसे और क्यों है इतना महान। दुनिया का सबसे विशाल लोकतंत्र, जी हां, यही पहचान है भारत की। उस भारत की जिसने कई काल देखे, कई खंड देखे, चुनौतियों से सामना हुआ, मगर लोकतंत्र की जड़ें हर गुजरते वक्त के साथ और गहराती गईं, मजबूत होती गईं।
दुनिया में कुल 193 देश हैं। इनमें से लगभग 110 देश लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन करते हैं और इन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं वाले देशों में भी भारत का स्थान एक तरह से सर्वोपरि है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं और परंपराएं कितनी विशाल और भव्य हैं, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि यहां लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर लगभग 800 संसद सदस्यों और लगभग 4,500 विधायकों के लिए चुनाव होते हैं। 3.25 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश में वोटरों की कुल संख्या 91 करोड़ से भी ज्यादा है। लोकतंत्र की जब भी बात होती है तो 13वीं शताब्दी के मैग्ना कार्टा को लोग लोकतंत्र की बुनियाद मानते हैं, लेकिन मैग्ना कार्टा से बहुत पहले 10वीं शताब्दी में भी भारत में लोकतंत्र मौजूद था। इसका प्रमाण तमिलनाडु में चेन्नई से 90 किलोमीटर दूर उथिरमेरूर नाम के गांव में मिलता है। 10वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य के वक्त उथिरमेरूर गांव में पत्थरों पर तमिल में लिखी गई पंचायत व्यवस्था का वर्णन है, यानी कि भारत में डेमोक्रेसी 1,000 साल पुरानी है। आज भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या लगभग 3.25 लाख है। 6.5 लाख से भी अधिक गांव हैं। लोकतंत्र की ताकत का इस्तेमाल कर ग्राम पंचायतें न सिर्फ कठिन से कठिन फैसले ले रही हैं, बल्कि लोगों को समाज की मुख्य धारा में भी जोड़ रही हैं। इतने बड़े देश का विशाल लोकतंत्र दुनिया में भारत को आगे रखने में, दुनिया को दिशा दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। भारत जितना विशाल देश है उससे कहीं ज्यादा बड़ा और मजबूत हमारा लोकतांत्रिक ढांचा और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं। कैसे लोकतंत्र की ताकत का इस्तेमाल कर पंचायती राज सिस्टम के तहत गांव अपने लिए विकास की योजनाएं बना रहे हैं और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जरूरी फैसले खुद ही कर रहे हैं और बदलाव की एक नई कहानी लिख